अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश क्लास 5 की यूनिट नंबर 2 की रीडिंग करने जा रहे हैं। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 1 की रीडिंग की थी और उसकी एक्सरसाइज आपको करवाई थी। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 की रीडिंग करेंगे पहले, उसके बाद हम आपको इस लेसन की जो है एक्सरसाइज समझाएंगे। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड तक देखिए, एंड में आपको एक्सरसाइज हल करने का तरीका बताया जाएगा। तो चलिए कंटेंट लिस्ट को चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी कंटेंट लिस्ट है जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 1 लिटिल ब्रदर्स हेयर कट की रीडिंग और एक्सरसाइज की थी, और आज हम यूनिट नंबर 2 आइसक्रीम की रीडिंग करेंगे। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज हल करने का तरीका आपको बताएंगे। सो चलते हैं पेज नंबर 14 पर। यूनिट 2 आइसक्रीम। वन डे ऑन हॉलीडे, एलिजा वाज सिटिंग ऑन द बीच। एक छुट्टी के दिन एलिजा साहिल समंदर पर बैठी थी। इट वॉज वेरी हॉट, वो दिन बहुत गर्म था। आई एम बॉइलिंग, सेड एलिजा, मैं गर्मी से उबल रही हूँ, एलिजा ने कहा। मम, कैन आई हैव एन आइसक्रीम प्लीज, अम्मी क्या मुझे आइसक्रीम मिल सकती है। ऑफ कोर्स, सेड मम, यकीनन अम्मी ने कहा। हेयर्स द मनी, ये लो पैसे। एलिजा थैंक्ड हर एंड स्ट्रगल्ड अप द स्टीप बीच टू द आइसक्रीम वैन। एलिजा ने अम्मी का शुक्रिया अदा किया और साहिल की ढलवान कर मुश्किल से चढ़कर आइसक्रीम वाली गाड़ी के पास पहुंच गई। देयर्स वर लॉट्स ऑफ पीपल वेटिंग टू बी सर्व्ड, बहुत से लोग आइसक्रीम लेने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। एलिजा जॉइंड द क्यू एंड स्टूड बिहाइंड अ लार्ज वाइट लेडी। एलिजा कतार में शामिल हो गई और एक बहुत ऊंची लंबी और चौड़ी औरत के पीछे खड़ी हो गई। टू हॉट ग्रम्पी चिल्ड्रन एंड देयर मम जॉइंड द क्यू बिहाइंड एलिजा। वो गुस्सीले बदमिजाज बच्चे और उनकी माँ एलिजा के पीछे लाइन में खड़े हो गए। द चिल्ड्रन पुश्ड एंड शोड एंड वाइप्ड देयर स्टिकी फिंगर्स ऑल ओवर एलिजाज स्विम सूट। बच्चों ने एलिजा को धकीला और अपनी चिपचिपाती उंगलियां उसके स्विम सूट से साफ की। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हॉट वेट द आइसक्रीम सेलर आस्क द लार्ज वाइट लेडी व्हाट शी वुड लाइक। गर्मी में लंबे इंतज़ार के बाद आइसक्रीम बेचने वाले ने ऊंची लंबी और चौड़ी मोटी औरत से पूछा कि वो क्या पसंद करेंगी। रसबेरी एंड कोकोनट डिलाइट विद चॉकलेट स्प्रिंकल्स, शी सेड, एंड डबल नट्स ऑन टॉप। रसबेरी और कोकोनट डिलाइट चॉकलेट के छिड़काव के साथ उस औरत ने जवाब दिया, और आइसक्रीम के ऊपर मूंगफली के दानों की दोहरी तय के साथ। इट टुक एजेस फॉर द आइसक्रीम सेलर मैक इट, बट एट लास्ट ही हैंडेड द लार्ज लेडी हर रसबेरी एंड कोकोनट डिलाइट विद डबल नट्स। आइसक्रीम बेचने वाले को ये बनाने में बहुत देर लग गई, लेकिन बलाखिर उसने बड़ी सी औरत को रस भरी और कोकोनट डिलाइट मूंगफली के दानों की दोहरी तय के साथ दी। नाउ इट वॉज एलिजाज टर्न, अब एलिजा की बारी थी। शी
स्ट्रेच्ड अप टू द काउंटर. उसने काउंटर की तरफ अपने हाथ फैलाए. आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगी. शी बिगेन बट आइसक्रीम सेलर डिड नॉट हेयर एलिजा. उसने कहना शुरू किया लेकिन आइसक्रीम बेचने वाले को एलिजा की कोई बात सुनाई न दी. इंस्टीड ही लुक्ड राइट ओवर हर हेड एंड सेड यस मैडम टू द लेडी बिहाइंड विद द ग्रम्पी चिल्ड्रन. इसकी बजाय उसने एलिजा के सर से ऊपर देखा और उसके पीछे बदमिजाज बच्चों के साथ औरत से कहा, जी मैडम, एक्सक्यूज मी सैड एलिजा बट नोबडी हर्ड. गुस्ताखी माफ़, मुतवज्जा करने के लिए, लेकिन किसी ने उसकी बात न सुनी. टू ऑरेंज एक्सप्लोजन्स फॉर द किडीज प्लीज सेड द लेडी एंड अ मिंटी माउंटेन फॉर मी. औरत ने कहा, दो ऑरेंज एक्सप्लोजन बच्चों के लिए और मिंटी माउंटेन मेरे लिए दे दें. एक्सक्यूज मी सेड एलिजा अगेन. सुनिए, एलिजा ने दोबारा कहा, आई एम डाउन हेयर, मैं यहाँ नीचे हूँ. टर्न द पेज. नोबडी टुक एनी नोटिस, किसी ने तवज्जा न दी. एंड द आइसक्रीम सेलर वेंट ऑन बिल्डिंग अ मिंटी माउंटेन. और आइसक्रीम बेचने वाला मिंटी माउंटेन तैयार करता रहा. एलिजा जम्प्ड अप एंड डाउन सेइंग. एलिजा ऊपर नीचे उछल कर कह रही थी, एक्सक्यूज मी आई वाज हेयर फर्स्ट, मैं यहाँ पहले से हूँ. आई एम नॉट इनविजिबल, मैं कोई न नज़र आने वाली चीज़ नहीं हूँ. एट लास्ट द लेडी सेड, ओ आई एम सॉरी, आई डिड नॉट सी यू. आखिरकार खातून ने कहा, ओ मुझे अफसोस है, मैंने तुम्हें देखा नहीं. बट एलिजा हेड जम्प्ड सो हार्ड शी हेड ड्रॉप्ड हर मनी. लेकिन एलिजा इतना ऊंचा उछली कि उसके पैसे गिर गए. वन ऑफ द ग्रम्पी चिल्ड्रन ग्रैब्ड इट. बच्चों में से एक बदमिजाज बच्चे ने पैसे पकड़ लिए. जेसन गिव द मनी बैक टू द लिटिल गर्ल, शाउटेड द लेडी. जेसन, छोटी बच्ची को उसके पैसे वापस दो, खातून चिल्लाई. बट जेसन थ्रू द कॉइन एज फार एज ही कुड राइट अक्रॉस द सैंड. लेकिन जेसन ने सिक्के को रेत के पार जितना दूर फेंक सकता था फेंक दिया. एलिजा बस्ट इन टू टीयर्स. एलिजा आंसुओं से रो पड़ी. आई वेटेड एंड वेटेड, शी स्निफ्ड. बट आई डिड नॉट गेट सर्व फॉर एजेस बिकॉज नोबडी Notice me and now that my money is gone, I cannot have an ice cream at all. मैं इंतज़ार करती रही, उसने नाक सड़क कर सूँ सूँ करते हुए कहा, लेकिन इतनी देर तक मुझे आइसक्रीम नहीं मिली क्योंकि किसी ने मेरी तरफ तवज्जा ही नहीं दी. और अब मेरे पैसे गुम हो गए हैं. अब मुझे बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं मिल सकती. डोंट गेट अपसेट, तुम परेशान मत हो, सेड द लेडी. खातून ने कहा, आई विल बाय यू एन आइसक्रीम एंड जेसन कैन पे फॉर इट आउट ऑफ हिज पॉकेट मनी.
मैं तुम्हें आइसक्रीम ले दूंगी और जेसन को पैसे अपनी जेब से अदा करने होंगे। शी टर्न टू द आइसक्रीम सेलर, वो आइसक्रीम बेचने वाले की तरफ मुड़ी। गिव हर द बिगेस्ट एंड बेस्ट आइसक्रीम यू हैव, शी सेड। वो आइसक्रीम बेचने वाले की तरफ मुड़ी। इसे सबसे बड़ी और बेहतरीन आइसक्रीम जो तुम्हारे पास है दे दो, उसने कहा। राइट, जी ज़रूर, सेड द आइसक्रीम सेलर, आइसक्रीम बेचने वाले ने कहा। वन सुपर जंबो वूपर कमिंग अप, एक सुपर जंबो वूपर बड़ी आइसक्रीम आ रही है। एलिजा वॉक बैक टू हर मम होल्डिंग हर जीएंट साइड सुपर जंबो वूपर। एलिजा बड़े साइज की सुपर जंबो वूपर हाथ में लिए अपनी अम्मी के पास चलकर वापस आती है। आई एम हेयर मम, शाउटेड एलिजा। अम्मी में आ गई, एलिजा चिल्लाई। नेस यू मेड मी जम्प, सेड मम, आई डिड नॉट नोटिस यू बिहाइंड दैट जियंट आइसक्रीम। ओ खुदाया, तुमने तो मुझे चौंका दिया, अम्मी ने कहा। मैंने इतनी बड़ी आइसक्रीम के पीछे तुम पर तवज्जो ही नहीं दी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इस लेसन की रीडिंग कंप्लीट होती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर इसकी एक्सरसाइज चेक करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज इस पेज पर शुरू हो रही है। इसमें क्वेश्चन नंबर ए है, आंसर द क्वेश्चंस। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसके आंसर्स हम आपको सेंड कर देंगे। आप उसमें से देखकर अपनी फेयर कॉपी पर अच्छी हैंडराइटिंग में इन 5 क्वेश्चंस के आंसर उतारिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन योर ओन सेंटेंसेस। ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़, सॉरी, गुडनेस, एज़ फॉर एज़, वेंट ऑन, गेट अपसेट, हेयर इज़। इन को एक्सप्रेशंस को आपने सेंटेंस में, इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंटेंसेस आपने 2 कॉलम्स बनाने हैं, एक में आपने ये एक्सप्रेशंस लिखनी है और दूसरे में आपने सेंटेंस। ये भी हम आपको सेंड कर देंगे और इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारिएगा। उसके बाद क्वेश्चन सी है, ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इन टू योर नेशनल लैंग्वेज। ये सेंटेंस दिए हुए इंग्लिश में, जिसे हमें अपनी नेशनल लैंग्वेज में इसकी ट्रांसलेशन करनी है। नेशनल लैंग्वेज हमारी कौन सी है? उर्दू। तो उर्दू में हमें इसके सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। जैसे सबसे पहले है, दे आर वेटिंग टू बी सर्व्ड। तो इसकी हमें उर्दू जो है बनानी है, कि ये सेंटेंस इंग्लिश में है तो इसकी मीनिंग उर्दू में क्या होगी। तो इसकी मीनिंग होगी, वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। दे आर वेटिंग टू बी सर्व्ड, वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद नंबर 2 है, दे आर वेटिंग टू बी हेल्प, वो मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। नंबर 3 है, दे आर वेटिंग टू बी रजिस्टर्ड, वो अपने नाम का इंदराज करवाने का इंतज़ार कर रहे हैं। नंबर 4 है, दे आर वेटिंग टू बी फेड, वो खाना मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। नंबर 5 है, दे आर वेटिंग टू बी फोटोग्राफ, वो तस्वीर उतरवाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो इनकी आपने ट्रांसलेशन करनी है। उसके बाद है, लर्न द यूज़ ऑफ द कॉजेटिव वर्ब मेक एंड ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। इसमें भी आपको जो है ये सेंटेंस दिए हुए हैं। नंबर 1, यू मेड मी लव, इसकी हमें ट्रांसलेट करना है इस सेंटेंस को।
यू मेड मी लव, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, तुमने मुझे हंसाया। नंबर टू है यू मेड मी बीट, तुमने मेरी पिटाई करवाई। इसी तरीके से ये भी हम आपको सेंड कर देंगे, आप उसमें से इनकी ट्रांसलेट देखें। आप सबसे पहले ये क्वेश्चन उतारेंगे, क्वेश्चन उतारने के बाद फिर नंबर वन ये सेंटेंस लिखेंगे और इसके नीचे इसकी ट्रांसलेशन लिखेंगे, फिर नंबर टू पे ये सेंटेंस लिखेंगे, इसके नीचे इसकी ट्रांसलेशन लिखेंगे उर्दू में। तो इसी तरीके से ये भी हल होगा, इसमें भी आप सेंटेंस पहले लिखेंगे और उसके नीचे इसकी ट्रांसलेशन लिखेंगे। तो इसे भी आपने अपनी फेयर कॉपी पे अच्छी हैंडराइटिंग में उतारना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है मेक सेंटेंसेस एज इन द एग्जांपल्स, यूज दीज वर्ड्स, इंटेलिजेंट, ब्रेव, होनेस्ट, एक्टिव, रिच। तो ये हमें इसमें सेंटेंस दिए हुए हैं। नंबर वन, एज फॉर एज आई नो ही इज़ नॉट लेज़ी, इसमें हमें ये वर्ड्स दिए हुए हैं। नंबर वन है इंटेलिजेंट, ब्रेव, हॉनेस्ट, एक्टिव, रिच। इनको हमने इन सेंटेंस में से एक वर्ड काट कर उसमें इन वर्ड्स को ऐड करना है। जैसे नंबर वन है एज़ फॉर एज़ आई नो ही इज़ नॉट लेज़ी, तो यहाँ हम लेज़ी को काट कर इसकी जगह पर हम इंटेलिजेंट लिखेंगे। इसी तरह से नंबर टू है एज़ फॉर एज़ आई नो शी इज़ नॉट हर फ्रेंड, तो यहाँ पर हम जो है इसमें हर फ्रेंड को काट कर इसमें हमने ब्रेव को फिल करना है। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड करेंगे। आप इसको करने का तरीका ये होगा कि आप इसका क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लगाने के बाद आपने इसका नंबर डालना है और ये सेंटेंस लिखना है और इसके नीचे जो आप करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे उसको आप लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। ये करेक्ट वर्ड्स दिए हुए हैं आपको बॉक्स में, इनको आपने सही ब्लैंक में फिल करना है। नोबडी टुक एनी डिश, तो इसमें कौन सा वर्ड सही आएगा, इसमें आएगा नोटिस फर्स्ट में। उसके बाद नंबर टू है वन ऑफ द डिश चिल्ड्रन ग्रेब्ड इट, इसमें ग्रम्पी वर्ड आएगा। तो इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी आप कंप्लीट करें और इसे अपनी फेयर कॉपी पर उतारें। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, टर्न द पेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ है लर्न द थ्री डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स दैट हैव टू और थ्री सिलेबल्स। तो स्टूडेंट्स ये डिग्रीज़ दिए हुए हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। आपने तीन कॉलम कॉपी पे बनाने हैं, एक में आपने पॉजिटिव लिखना है, दूसरे में कंपेरेटिव, तीसरे में सुपरलेटिव। तो ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है एक्टिव, इसकी कंपेरेटिव क्या बनेगी, मोर एक्टिव, और सुपरलेटिव होगी मोस्ट एक्टिव। इसी तरह केयरफुल है, इसकी कंपेरेटिव होगा मोर केयरफुल, और मोस्ट केयरफुल इसकी सुपरलेटिव होगा। ये आपको सेम एज इट इज़ ही अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है, ये फेयर कॉपी पर उतारना है सेम इसी तरीके से। ये थ्री डिग्रीज हैं, थ्री कॉलम्स बनेंगे और उन कॉलम्स में जो पॉजिटिव में है आप पॉजिटिव में लिखेंगे, जो कंपेरेटिव में है वो कंपेरेटिव में लिखेंगे, और जो सुपरलेटिव में है वो आप सुपरलेटिव में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जी, यूज़ ऑल द अबव अंडरलाइन कंजक्शंस इन योर ओन सेंटेंसेस। तो जो अंडरलाइन कंजक्शंस हैं उन्हें हमें अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। अंडरलाइन कंजक्शंस कौन कौन से हैं, नंबर वन में येट है अंडरलाइन, YET येट, इसका इस वर्ड को हमने सेंटेंस में चेंज करना है। नंबर टू में अंडरलाइन कौन सा वर्ड है, बट है, बट पे हमें सेंटेंस बनाना है। नंबर थ्री में सिंस है, नंबर फोर में और है, नंबर फाइव में एंड है, नंबर सिक्स में फोर है, नंबर सेवन में सो है, नंबर एट में अनटिल है, नंबर नाइन में बिकॉज़ है, नंबर टेन में
अल्थोगे। तो इन जो भी अंडरलाइन ये वर्ड्स हैं इन पे हमें सेंटेंस बनाने, और ये सेंटेंस भी हम आपको सेंड कर देंगे और आप उसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है यूनिट टू की, और आप अच्छी हैंडराइटिंग में इस एक्सरसाइज को अपनी फेयर कॉपी पर उतारें, और फिर फेयर कॉपी पर उतारने के बाद अपनी कॉपीज़ को स्कूल में चेकिंग के लिए भेज दें। और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेसन की रीडिंग पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।